देवोलीना भट्टाचार्य जी रूबीना दिलैक का गेम पसंद करती हैं, रूबीना दिलैक को सपोर्ट करती हैं, राहुल वैद्य को भी पसंद करती हैं। अब एजाज की प्रॉक्सी बनकर गई हैं। एजाज ने घर से निकलने से पहले देवोलीना से कहा, एली मेरा भाई है, एक ही है जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। अब ऐसे में देवोलीना कौन सा गेम खेलेंगी, देवोलीना भट्टाचार्य जी वाला या एजाज खान वाला? बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। देवोलीना भट्टाचार्य जी रूबीना दिलैक की बड़ी फ़ैन है, उनको पसंद है रूबीना दिलैक। और जैस्मिन अखेल उनको पसंद नहीं था, जैस्मिन अखेल उनको फेक लगता था। जैस्मिन और एली पर उन्होंने बहुत सारे कॉमेंट्स भी किए थे, मगर जब वो घर के अंदर गई तो प्रॉक्सी बनकर गई एजाज खान की। अब एजाज खान ने उनसे साफ तौर पर एली के फेवर में बातें की, मगर एजाज अब रूबीना और अभिनव के खिलाफ खेल रहे हैं। दूसरी ओर देवोलीना को राहुल भी पसंद आते हैं, राहुल के खेल की तारीफ भी उन्होंने की है। राहुल और रूबीना दो अलग अलग पोल्स की तरह ये खेल खेल रहे हैं। सवाल ये है, देवोलीना रूबीना की तरफ जाएंगी, राहुल और एली की तरफ जाएंगी? निकित अम्बोली, जिनको जैस्मिन के साथ ही देवोलीना पसंद नहीं करती, निकित अम्बोली रूबीना के साथ खेल रही है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण बनते हैं। रूबीना निकी के अगेंस्ट खेलेंगी, सॉरी देवोलीना निकी के अगेंस्ट खेलेंगी, या फिर देवोलीना रूबीना के साथ मिलकर के रूबीना का साथ देंगी और उनकी टीम में शामिल होंगी? क्योंकि रूबीना जो मुद्दे उठाती हैं, जिस तरह के मुद्दे उठाती हैं, देवोलीना उस तरह का स्टैंड लेती आई हैं। मतलब आइडियली अगर देखा जाए तो देवोलीना का गेम रूबीना से मैच होगा आइडियलिस्टिक मुद्दों पर, क्योंकि आइडियल्स आदर्श के मुद्दे देवोलीना ने हमेशा उठाए हैं। अब ऐसे में देवोलीना अब क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि अब जो साफ दिख रहा है उनको राखी पसंद आ रही है, राखी भी रूबीना के दोस्त हैं, अर्शी भी उनको थोड़ी ठीक ठाक लगती है, अर्शी के बारे में भी उन्होंने कहा, विकास गुप्ता के साथ वो घर के अंदर गई हैं, तो सबके साथ अलग अलग डायनेमिक्स है। अब खेल के बाद जो कल पहला टास्क दिखाया जाने वाला है, उसके बाद किस तरह की केमिस्ट्री बनती है, चूँकि विकास गुप्ता और देवोलीना शायद एक टीम में खेल रहे हैं, तो ऐसे में क्या एक नई इक्वेशन बनती है? विकास और रूबीना भी थोड़ा अच्छे टर्म्स में थे, मगर फिर बाद में धीरे धीरे दूरियां आ गई, गेम में बहुत सारी चीज़ें आई। अब असली गेम तब होगा जब कोई टास्क नहीं होगा, नॉर्मली ये लोग बैठेंगे और उसके बाद बातचीत करके जेल करेंगे, और अगले ही पर ऐसा टास्क आएगा जिसमें सारी टीम्स डिवाइड हो जाएंगी, होगा वही जो बिग बॉस चाहेंगे। देवोलीना कितना भी सोच ले कि रूबीना के सपोर्ट में खेलेगी, मगर अगर बिग बॉस उन्हें राहुल और एली वाली टीम में डालते हैं तो उन्हें रूबीना के अगेंस्ट खेलना होगा, और इनिशियली अगर एक दो गेम्स रूबीना के अगेंस्ट खेलेंगी तो दरार अपने आप आ जाएगी, तो होगा वही जो मंजूर बिग बॉस होगा। और फिलहाल ये लगता है कि बिग बॉस अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि देवोलीना रूबीना के खिलाफ खेले। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ लगातार।